पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का किया उल्लंघन। पाकिस्तानी सेना ने पूंछ के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, गोलीबारी की और साथ ही गोले बारूद भी दागे। बीजेपी नेता देवेंद्र ने संपादक अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ठाकरे सरकार को कहा महाराष्ट्र की महाविकास अघंडी सरकार को उसका स्थान दिखा दिया गया। अमेरिका में तख्ता पलट की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, पेंटागन में हो रहे बदलाव दे रहे बड़े संकेत। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए जनसभा आयोजित करने के आरोप में FIR दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम JNU कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के कच्छ के धोरडो शहर जाएंगे। अमित शाह गुजरात के कच्छ पाटन और बनासकांठा जिले के सरपंचों की बैठक को संबोधित करेंगे। जेल से बाहर आते ही अर्णब ने उद्धव ठाकरे को दी खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो मुझसे बहस करके दिखाएं। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से रेलवे ट्रकों पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की। दिल्ली को फिर डरा रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 8,593 नए केस मिले और वहीं 85 लोगों की हुई मौत। चीन से सटे उत्तराखंड के दो दिवसीय दौर पर सेना प्रमुख नरवणे आज जाएंगे कुमाऊं रेंज की पिथौरगढ़।